फर्स्ट क्लास पास हुआ हो तो उसे मायूसी होती है, और दूसरा बच्चा जो लगातार फेल हो रहा हो और एक बार ग्रेस मार्क्स पाके पास हो जाए तो वो खुशी के मारे फूला नहीं समाता है, तो वो स्थिति है। इसीलिए आप देखिए कि 3 चुनावों के बाद भी दहाई अंक न छूने पर कांग्रेस के लोगों के चेहरे पे कितनी चमक है, उनकी आवाज में कितनी खनक है और उनके रुतबे में कितनी धमक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी 240 सीटों पाकर भी हमारे चेहरे पे थोड़ी मायूसी है, क्योंकि अब जनता भी उनको अलग तरीके से देखती, हमको अलग तरीके से, और 1984 के बाद से 240 सीटें कांग्रेस को एक बार भी नहीं मिली है। लोकसभा चुनाव के जमाने में 232 सीटें वो जीत के आए थे, बाद में बाई इलेक्शन होते होते वो 240 तक पहुंच गए थे। तो आप सोचिए 40 साल में वो 240 तक नहीं पहुंचे हैं और हम उनके हिसाब से उसको 240 से पहुंचना हार है, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में भी जनता सारी चीजें देख रही है और उचित विवेचन करेगी। और अंत में एक बात और, जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीर बात कही, चुनाव परिणाम आने से पहले जिस ढंग से बयान दिए गए कि लोग वहां पे अभी लग जाती इनको लग जाती इनको आप लोग देख नहीं हो पा रहे हो, कि अगर परिणाम गड़बड़ हुए तो बहुत भयानक प्रतिकार होगा। मुझे लगता है कि अब ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों को कहना चाहिए कि राजनीतिक नफे नुकसान के तराजू पे तौल पे लोकतंत्र की गरिमा को हम ध्वस्त नहीं करेंगे, जो निर्णय होगा उसे ईमानदारी से स्वीकार करेंगे। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों को चर्चा में शामिल करूंगी, लेकिन उससे पहले एक एक सवाल मेरा आप लोगों के लिए है। चेतन जी, आप आरजेडी के बागी विधायक हैं, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कांग्रेस की जो वहां पर उम्मीदवार थी जिन्होंने एक टफ फाइट दिया, लगभग 28,000 आरजेडी की, सॉरी उनको उनको 28,000 वोट से इन्होंने हारा है, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इस बार बिहार में देखिये 12 सीटें जेडीयू की आई, 13 आई, 12 बीजेपी और आरजेडी की आई, क्या वजह रही कि पिछली बार की परफॉर्मेंस को एनडीए रिपीट नहीं कर पाया? उपेंद्र कुशवाहा ने भीतर घात की भी बात की है, आपका क्या आकलन है? आप भी ग्राउंड पर देखिए, जो भी चीजें हैं उसको एक बार सभी लोग समीक्षा तो करेंगे, हाँ। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक ये जो 30 हम लोग लेकर के आए हैं, हाँ। ये अपने आप में एक क्या कहते हैं, बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, हाँ। अगर 40 में से 30 अगर कोई जीत रहा है तो वो दिखाता है कि एनडीए बिहार में कितना ज्यादा स्ट्रांग है, और जो जनता है बिहार की वो एनडीए को ज्यादा स्वीकार रही है। अगर आप देखिएगा जंगल राज को जो है पूरी तरीके से वहां की जनता ने नकार दिया, लेकिन 4 सीटें तो आई उनकी, तो 4 ही सीट आई, पिछली बार तो जीरो था ना नंबर, पिछली बार जीरो था, नहीं जब 250 बार हेलीकॉप्टर जगह जगह गए, हाँ, दो लोग घूम रहे थे, बाकी किसी को जो है उन लोगों ने तवज्जो नहीं दिया, उसी का परिणाम है कि इतना मेहनत करने के बाद भी 4 सीट पे वो लोग अटक गए। ठीक है, इससे पहले कि मैं अगला सवाल लवली जी आपसे करूं, ये तस्वीरें आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले हैं, और अब क्योंकि एनडीए ने अपनी तरफ से ये बहुत तस्वीर दिलचस्प है, क्योंकि ओडिशा से ही राष्ट्रपति भी है और भगवान जगन्नाथ की वहां पर प्रतिमा, उन्होंने छोटी मूर्ति वहां पर दी है, और ये देखिए सरकार बनाने का न्योता राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात है, और महामहिम राष्ट्रपति ने ये जो भेंट दी है उन्हें, इसमें भगवान जगन्नाथ की छोटी मूर्तियां है, और इसी के साथ ये वो इनविटेशन लेटर, क्योंकि अब सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी और शपथ लेंगे अपने कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को। ओडिशा में इस बार पूर्ण बहुमत के साथ विधानसभा में बीजेपी की सरकार बन रही है, और प्रधानमंत्री भी जब जीत के बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने जय जगन्नाथ के साथ अपने भाषण की शुरुआत की थी, और यहां पर राष्ट्रपति भी उनको वही सर्टिफिकेट, वो चिट्ठी देती हुई आमंत्रण की, और अब सरकार बनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बात है एक बार फिर से मोदी सरकार बनने की स्थिति, ये फूलों का गुलदस्ता भेंट कर, और उसके बाद से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति, और उसके बाद से ये न्योता जो उनके सरकार को आमंत्रण है उनके नेतृत्व में सरकार बनाने का, 9 जून की तारीख तय की गई है शपथ ग्रहण के लिए। ये तस्वीरें दिखाते हुए ही चर्चा को आगे लिए चलते हैं। कई लोग ये मान रहे थे, बहुत लोग जो ये भीतरघात की बात कर रहे हैं लवली आनंद जी, उस पर आपका क्या जवाब है? क्या इसका सामना आपको शोहर में भी करना पड़ा? नई सरकार के गठन की भी तारीख है, और आप भी बताइए कि आपके मन में भी ऐसा कुछ चल रहा है कि कोई मंत्रालय मिले, क्योंकि 12 सांसद जीत कर आए हैं और आप उनमें से एक है, शोहर से जीत के आई। देखिए अंजना जी, पहले तो मैं आपको नमस्कार करूंगी, आपके माध्यम से
शिवहर वासियों को, इन्होंने इतना ज्यादा गर्मी में महिलाओं की भी संख्या वहाँ लड़कियाँ महिलाएं बूढ़े बच्चे लाइन में लग करके जिस तरह से लग रहा था कि खुद प्रत्याशी है वो शिवहर की महान जनता ने वहाँ हमें दिया है सेवा करने का मौका और जिताया है। तो आपके माध्यम से मैं फिर से आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि बेटा को भी शिवहर ने ही विधायक बनाया, दो दो बार आनंद मोहन जी को सांसद बनाया। तो बहुत ज्यादा वहाँ का जो है हर संकट के घड़ी में हर समय में शिवहर ने साथ दिया है। वो बहुत भावुक क्षण था जब हम रिजल्ट लेके आए, विजय का जीत का रिजल्ट, तो हमारे लिए बहुत भावुक क्षण था। आप वहाँ पर मौजूद थे आज जब पीएम भाषण दे रहे थे और हम वही तस्वीरें दिखा रहे हैं, पीएम को लेकर आपकी क्या सोच है? और वो तस्वीर भी सबने देखी है जिसमें वो नीतीश बाबू उनके पैर छू रहे थे फिर पीएम ने उनको रोका, तो जरा बताइए वहाँ पर क्या क्या हुआ? तो पीएम आप बताइए, इतना बड़ा जनादेश मिला है, तीसरी बार देश का जब प्रधानमंत्री वो बन रहे हैं, ये कम भारी बात नहीं है। और बड़े भी हैं, उम्र में भी बड़े हैं, अगर कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, ये बढ़िया है, ये संस्कार है, ये शिष्टाचार है। हम लोग का भी है कि बड़े बुजुर्ग को, और ये हम लोग का संस्कार खास करके रहा है तो उसके तहत कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, इतनी सराहना होनी चाहिए। और इतना बड़ा जनादेश आप देखिए ना, कितना स्टेट में भाजपा को एनडीए को बढ़त मिला है। लवली जी देखिए ना, बार बार जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव कहते हैं कि पीएम मोदी की गारंटी बताते हैं, वो हमारे चाचा की गारंटी नहीं ले पाएंगे, नीतीश कुमार पर कहते हैं। अच्छा चाचा जो है, लोग जो ब्लेम कर रहे हैं, तो चाचा अकेले कर रहे हैं क्या? उप मुख्यमंत्री कौन बन जाते हैं, कौन बन जाते हैं उप मंत्री, क्या उनकी गारंटी है क्या जो तुरंत जाकर के कुर्सी के लिए आप करते हैं? नीतीश जी तो बिहार के विकास के लिए करते हैं, देश के विकास के लिए करते हैं, और इतना ज्यादा बिहार को आगे बढ़ाए हैं। कुछ आज देखिए कहाँ से कहाँ, 2005 से बिहार कितना आगे बढ़ा है। आज नीतीश जी का जो है काम पर, मोदी जी के नाम पर, और इस तरह से लोगों ने साथ दिया है, हम लोग के संघर्ष पर भी। आप चाहती है कि 5 साल टिके रहे साथ में नीतीश बाबू? अरे हमेशा हमेशा के लिए, तो देश के लिए तो बोले ही है कि हम हमेशा साथ देंगे देश के हित में, जो भी है। आज भी अच्छा से बोले हैं, तो जो लोग इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं और जो इस तरह का बोल रहे हैं, उनकी गारंटी नहीं है कि वो कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, किनके साथ जाएंगे। कई लोग मानते हैं आनंद मोहन जी की जो आरक्षण को लेकर एक विपक्ष ने बार बार कहा कि ये लोग संविधान बदल देंगे वाला एक नैरेटिव चल रहा है, उसकी वजह से आरक्षण हट जाएगा, इस डर से कई लोगों ने बीजेपी के खिलाफ इस बार वोट दिया या बीजेपी को वोट नहीं दिया। आपको भी लगता है कि आरक्षण के खिलाफ एक जो नैरेटिव बना था जमीन पर वो कई जगहों पर भारी पड़ा? आनंद जी इस पर प्रधानमंत्री जी पूर्व में ही सफाई दे चुके हैं। दूसरी बात कि जिनके राज में पूरे जी हत्या, बलात्कार, नरसंहार, उग्रवाद, ये अपहरण, फिरौती, रंगदारी, एक मात्र चरवाहा विद्यालय जिनकी उपलब्धि रही, उनको और सब कहने के लिए क्या है? भ्रम, संशय, अफवाह, इसके अलावा कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान में परिवर्तन हो जाएगा, और कुछ है नहीं इनके पास कहने के लिए, तो ये बकवास की बातें हैं, बेकार की बातें हैं, फजूल की बातें हैं। चलिए ठीक है, एक बार ऐसे जो अन्य मेहमान हमारे हैं उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अतुल लौंडे पाटिल साहब है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अतुल साहब, आप लोग हर्ष मना रहे थे कि आपकी सीटें बढ़ी हैं, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई, जो बड़ी बातें हैं, एक बार जरा ग्राफिक्स के जरिए भी हम दिखा दें अपने दर्शकों को, जिसका आज उल्लेख प्रधानमंत्री ने भी किया, पिछले 3 बार के कार्यकाल को मिला लें, 2014, 2019, 2024, तीनों बार की सीटों को अगर जोड़ भी देते हैं तो आपकी उतनी सीटें नहीं बनती हैं जितनी इस बार बनी है। रिकॉर्ड तीसरी बार पीएम बन रहे नरेंद्र मोदी, इससे पहले जवाहरलाल नेहरू बने थे, लेकिन लगातार 3 बार सीएम और फिर पीएम, पहले गैर कांग्रेसी जो तीसरी बार पीएम बनेंगे। इसी के साथ जो तीसरा बड़ा पॉइंट कहा जा रहा है वो ये है, 7 अक्टूबर 2001 से लगातार वो सत्ता में ही है, चाहे मुख्यमंत्री बनकर गुजरात के रहे हो या फिर प्रधानमंत्री रहे हो, लगभग 22 साल का वक्त निकल चुका है जब से वो पावर में है। 8,270 दिन तक केंद्र और राज्य सरकार में वो रह चुके हैं मुखिया। थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाइए, उसके बाद से हम आपको दिखा देंगे वो जो टोटल सीट डाली है। ये देखिए, सरकार के मुखिया के तौर पर उन्होंने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो दिनों का रिकॉर्ड है वो हम बता रहे हैं आपको। पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस की सीटों का जोड़ भी बीजेपी से कम है, और
आखिरी पॉइंट जो है इसमें जल्दी से दिखा दीजिए, वो है एमपी उड़ीसा तेलंगाना में बीजेपी का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी इस बार 2024 के नतीजों में है। अब हम आपको